नमस्कार, खबर है ग्वालियर से। ग्वालियर में एक चरवाहे की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। सरकारी जमीन पर पहले मवेशी चराने को लेकर हुए झगड़े में चरवाहे पर गांव के लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। उसे इतना पीटा गया कि वह बेहोश हो गया। गंभीर हालत में चरवाहे को जल्दी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना तिगरा के महेंद्रपुर की है। पुलिस ने शव को निगरानी में लेकर मंगलवार को पोस्टमार्टम कराया है। पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। हमलावरों की तलाश फिलहाल की जा रही है। फिलहाल वे गांव से फरार हो गए हैं। तिगरा थाना स्थित महेंद्रपुर निवासी सरनाम बघेल, जिनकी उम्र 50 वर्ष है, वो एक किसान है और एक सप्ताह पूर्व उनका विवाद गाँव में ही रहने वाले रामनाथ बघेल से मवेशी चराने पर हुआ था। सरनाम बघेल गांव की सरकारी जमीन पर अपने मवेशी चराने पहुंचा था, तभी वहां रामना बघेल आ गया और उसने जमीन पर अपना कब्जा बताते हुए पहले उसके मवेशी को वहां चराने के लिए कहा। इसी बात पर दोनों का झगड़ा हो गया। विवाद बढ़ा तो उनके बीच मारपीट शुरू हो गई। इसी बीच रामनाथ बघेल के दोनों बेटे भी वहां आ पहुंचे और उन्होंने सरनाम की मारपीट करना शुरू कर दिया। इसी बीच रामनाथ बघेल व उसके बेटों ने सरनाम के सिर पर लाठी डंडे बरसा दिए, जिससे वह जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। चरवाहे को बेहोश होता देखकर हमलावर वहां से भाग निकले। मामले का पता चलते ही सरनाम के परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना देने के साथ ही घायल को उपचार के लिए भर्ती करा दिया, जहां पर उसकी हालत गंभीर देखकर आईसीयू में भर्ती कर दिया गया, जहां सोमवार देर रात उसने अपना दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को निगरानी में लिया और पोस्टमार्टम कराया है। हत्या के बाद जब पुलिस ने हमलावर रामनाथ व उसके बेटों की तलाश में उनके घरों पर दाबिश दी तो वहां ताले लगे मिले। हमलावर गांव के घरों पर ही ताला लगाकर फरार हो गए हैं। अब पुलिस उनके रिश्तेदारों व करीबियों पर निगरानी रख रही है। तिगरा थाना प्रभारी सुरेश सिंह कुशवाह ने बताया कि मवेशी चराने को लेकर हुए विवाद में पिता व पुत्रों ने एक युवक की मौत के बाद आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। मेरा नाम वकील है, ग्राम मैनपुर का रहने वाला हूँ। मेरे चाचा भैंसे चरा रहे थे खेत पर, सरकारी जमीन में, गौचर में। अचानक दूसरी पार्टी के लोग आए, 10-12 लोग, उन्होंने हमला किया और 10-12 लोग मतलब भिड़ गए आपस में। इसी महीने की मृतक सरनाम की लाठियों से मारपीट की थी, जिससे उसके शरीर और सिर में चोटें आई। हॉस्पिटल में भर्ती था, इसकी कल शाम 7 बजे मृत्यु हो गई। विवाद का क्या कारण था? भैंसे वैसे चराने का विवाद था। तो इसमें अभी किसी की गिरफ्तारी वगैरह हुई है? अभी गिरफ्तारी नहीं, पार्टियां गई हैं, पुलिस पार्टियां, थाना प्रभारी खुद गई हैं।